इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। आर्च बिशप फुल्टन जे सीन अंतिम सात शब्दों नामक किताब में बताते हैं कि यीशु के पहले जितने भी लोगों को सूली पर चढ़ाया गया था, वे लोग अपने जन्मदिन को, अपने हत्यारों को, यहां तक कि अपनी माताओं को अभिशाप देते थे, गंदी गालियां देते थे और उन्हें देखने वालों के ऊपर थूकते थे। इसलिए कभी कभी उन क्रूसित लोगों के जीभ को काट दिया जाता था ताकि वे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए दूसरों की निंदा ना कर सकें। यीशु के हत्यारे भी इसी इंतजार में थे कि यीशु भी अन्य क्रूसित लोगों की तरह रोएंगे, चिल्लाएंगे और अपत शब्दों का प्रयोग करते हुए लोगों को अभिशाप देंगे। शास्त्रियों और फरीसियों की भी यही इच्छा थी कि यीशु जो प्रचार करते थे कि अपने शत्रुओं को प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, यह शिक्षा यीशु भूल जाएंगे जब उनके हाथों एवं पैरों को कीलों से छेदा जाएगा। हमारे दयालु प्रभु यीशु क्रूस पर दर्दनाक पीड़ा सहने के बावजूद भी अपने शत्रुओं के खिलाफ शाप एवं घृणा के एक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उनके मुख से केवल प्रेम के शब्द निकलते हैं। इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। प्रभु के इन शब्दों में कोई क्रोध नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है और कोई प्रतिशोध नहीं है, केवल दिव्य प्रेम है। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे दैनिक जीवन में हम लोगों को यह कहते हुए सुनने को मिलता है कि मैं क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना असंभव है, क्योंकि मेरे पति या पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, मेरे दोस्त ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरे पड़ोसी ने बिना वजह के मेरे खिलाफ दोषारोपण लगाया है। मैं इन्हें क्षमा नहीं कर सकता क्योंकि इनके पाप बहुत गंभीर हैं। हम यह भी अनुभव करते हैं अपने दैनिक जीवन में कि कभी कभी छोटे से छोटे गलत फहमियों के कारण हम एक दूसरों से हफ्तों, महीनों तथा सालों भर बातचीत नहीं करते हैं और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन आज हम उस प्रभु यीशु को देखें, जब वे क्रूस पर लटके हुए थे तो वे क्या कर रहे थे। यदि किसी को क्षमा नहीं करने का अधिकार था तो वह यीशु को था, यदि किसी को अपना क्रोध प्रकट करने का अधिकार था तो वह यीशु को था, यदि किसी को अन्य पूर्ण अत्याचार के विरोध में आवाज उठाने का अधिकार था तो वह यीशु को था। फिर भी प्रभु यीशु के मुख से घृणापूर्ण शब्द नहीं निकलते हैं, लेकिन उनके मुख से प्रेम के शब्द निकलते हैं। इसके अलावा भले ही रोमन सैनिकों ने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया, फिर भी यीशु ने उन्हें ना केवल क्षमा किया बल्कि उनके लिए वे प्रार्थना करते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर। यहां तक कि प्रभु यीशु उनके पक्ष में अपने पिता परमेश्वर से बहाना बनाते हैं और कहते हैं कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का सोच एवं दृष्टिकोण अन्य लोगों से बिल्कुल अलग है। जब यीशु जकियुस को मिलते हैं तब अन्य लोगों की तरह यीशु जकियुस में
या जक्कियुस को एक घोर पापी के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन उनमें एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो मुक्ति के लिए ललायित हैं। जब प्रभु येसु व्यभिचार में पकड़ी गई महिला को देखते हैं तो उसमें वह उसके केवल पाप को नहीं देखते हैं, लेकिन उस महिला में प्रभु येसु देखते हैं कि उसे क्षमा और चंगाई की जरूरत है। उसी तरह जब प्रभु येसु सूली पर लटके हुए थे तो अपने हथियारों को वे दुश्मनों के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि उनमें ऐसे लोगों को देखते हैं जो भीषण गलत निर्णय ले रहे हैं, और शायद वे यह सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए वे सब मजबूर हैं या उन्हें कराया जा रहा है। सलीब के ऊपर दुख एवं पूड़ा से कराहते हुए येसु अपने हत्यारों को क्षमा करते हैं, इसलिए नहीं कि येसु क्षमा करने के लिए बाध्य थे, वे इसलिए करते हैं क्योंकि वे दिखाना चाहते हैं कि ईश्वर का प्रेम अपार है और ईश्वर हम सभी को बिना शर्तों के प्यार करते हैं। येसु क्रिस्त क्रूस के ऊपर से भी हमें प्यार और क्षमा करने की सीख देते हैं। आज प्रभु येसु हमें एक दूसरों को क्षमा करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। यदि हम किसी से घृणा करते हैं, किसी के प्रति शत्रुता रखते हैं और उनके साथ बातचीत नहीं करते हैं, तो आइए हम एक दूसरे को क्षमा करने की प्रयत्न करें और उस ईश्वर से इसके लिए कृपा मांगें कि हम एक दूसरे को क्षमा करने में काबिल हो सकें। भले ही क्षमा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ईश्वर की सहायता से सब कुछ संभव है। जिस तरह संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए यह कहते हैं कि मैं ईश्वर की सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे बल प्रदान करते हैं। आमीन।